स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में भारतीय ध्वज तिरंगा के उपयोग और फहराने से संबंधित भारतीय ध्वज संहिता के नियमों को जानना जरूरी है। तिरंगे का उपयोग और प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था और नागरिकों को न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई थी। नागरिकों को कानून के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहराना है इसके बारे में नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। झंडे का साइज किसी भी आकार का हो सकता है जब तक वह 3:2 में हो। 20 दिसंबर 2021 को एक आदेश के माध्यम से ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था। अब पॉलिएस्टर से बने मशीन बुने झंडे के उपयोग की अनुमति भी है। पहले हाथ से काता और हाथ से बुने हुए ऊन, कपास, रेशम, खादी आदि इत्यादि कपड़े के उपयोग होते थे। झंडा फहराने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। यह आम लोगों, निजी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या अन्यों के द्वारा फहराया जा सकता है। यह झंडे का सम्मान करते हुए किसी भी दिन किसी भी समारोह में फहराया जा सकता है। पहले यह अनिवार्य था कि झंडा खुले में फहराया जाता है तो उसे सूर्योदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाना चाहिए। हालांकि जुलाई 2022 में इसमें संशोधन किया गया ताकि लोग दिन रात अपने घर पर झंडे लगा सकें। झंडा किसी भी गाड़ी में नहीं लगाया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट लोगों के वाहनों को छोड़कर किसी भी गाड़ी में झंडा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज की गाड़ियों पर ही लगाया जा सकता है। झंडा लगाते वक्त आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। ध्वज को सम्मान देते हुए रखा जाना चाहिए। जब किसी अन्य झंडे के साथ फहरा रहे हों तो यह ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगे की ऊंचाई सबसे ऊपर हो। झंडे को फहराते हुए केसरिया रंग हमेशा ऊपर रखना चाहिए। वर्टिकली फहराने पर केसरिया रंग झंडे के संदर्भ में दाहिनी तरफ होना चाहिए। झंडा फहराते वक्त यह बातें ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। फटे हुए झंडे को कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के रूप में नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन, फर्श, पानी में नहीं रखा जाएगा और फहराते समय इन चीजों को स्पर्श भी झंडा नहीं करे। झंडे का उपयोग कोई वस्तु या किसी चीज को लपेटने के लिए भी नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।